नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कॉल मिरर, हर पल आपके साथ। हाय दोस्तों, आज हमारी टीम पंडेश्वर में है और समर्पण सेवा ट्रस्ट बोल के एक एनजीओ यहां पे चलती है जिसका आगाज 3 साल पहले हुआ था। इस ट्रस्ट की खूबी है कि ये लोग एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग चाहते हैं कि जो लेडीज़ है, जो औरतें हैं, वो जो बेकार हैं, उनको कैसे हम लोग कारोबार से जोड़ सकें। इसके साथ और ये लोग सोशल एक्टिविटीज़ बहुत कुछ करना चाहते हैं जिसमें लोगों का भला हो, लोग डेवलपमेंट हो। आज हम लोगों के सामने उनकी पूरी टीम है, आइए उनसे डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर में वो लोग क्या क्या प्रोग्राम करने वाले हैं। पंडित साहब है, आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, आप यहाँ पे किस पोस्ट में हो? मैं भी टीचर हूँ, डीएवी स्कूल में। अच्छा, और मेरा विषय हिंदी है। अच्छा सर, हम चाह रहे हैं कि आपकी जो टीम है इनका पे इंट्रोडक्शन कर दें। हमारे भाई जो है मनोज कुमार शर्मा जी हैं, ये असिस्टेंट कोषाध्यक्ष हैं। ये अरुण कुमार जी हैं, लॉयर हैं और असिस्टेंट चेयरमैन पर्सन। हमारी अध्यक्ष हैं चेयर पर्सन प्रेसिडेंट श्रीमती बिंदु जसवाला जी। नगर में हमारी कोषाध्यक्ष हैं श्रीमती सरस्वती पासवान जी। उनके नगर में कृष्णेंदु जी हैं, ये ऑफिस बियर हैं, कृष्णेंदु कर्मकार जी। और वे राम बहादुर जी हैं, ये मेंबर हैं हमारे, और वो हमारे मेंबर्स हैं। और मैं स्वयं सचिव। और अरुण जी, आप मैं अपनी चाहूँगा कि आप कब समझ में आया कि यहाँ पे एनजीओ का इस्टेब्लिशमेंट है? यहाँ तो काफ़ी समय से ऐसा लग रहा था कि एनजीओ यहाँ होना चाहिए। ये कोटी क्षेत्र और काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र यहाँ पर है। यहाँ पर शिक्षा का मतलब बहुत ही है, मतलब यहाँ कमी अभाव है। और ये मैडम की सोच थी कि यहाँ कुछ काम किया जाए शिक्षा के बारे में, महिलाओं के बारे में। बहुत सारी मतलब कमियाँ हैं इस क्षेत्र में। क्या कमियाँ? शिक्षा में कमी है, स्वास्थ्य कमी है, रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी है। पहले तो नमस्कार। सोशल वर्क के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है एक हाउसवाइफ के लिए, फिर भी निकालते हैं क्योंकि हमारी जैसे तमाम महिलाएं समाज में पड़ी हुई हैं, जो घर में बधी हुई हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं, निकलती नहीं है बाहर, समाज को जानती नहीं है। और अनुकरण अनुसरण ज्यादा करती है। आप जो ये सब बात कह रही हैं, आप एक कामयाब लेडी हो, इसके श्रेय किसको देंगे, किसका हाथ? इसका श्रेय तो जाता है मेरी माँ को। मेरी माँ ने अपने जीवन में तमाम दुख झेले और मुझे परवरिश किया, इसका श्रेय सारा श्रेय मेरे को, क्योंकि आज मैं खड़ी हूँ तो उन्हीं के संस्कार से। और उसके बाद आपका हस्बैंड का भी रोल होगा आपकी जिंदगी में? जी, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनकी सहमति नहीं होती तो आज मैं समाज में नहीं हूँ। अच्छा, आप तो जब इस फील्ड में आए हो, सोशल काम कर रहे हो, उसके बाद सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या किया? पहला काम मेरा यही था कि यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं, शिक्षा का इतना मतलब बोला जाए कि कमी है, बच्चों की गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स बच्चों को भेजते नहीं है क्योंकि यहाँ पेरेंट्स बच्चों को भेजेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। चलिए सर, स्पेशली पांडेश्वर जो इलाका है वहाँ पे एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम? यहाँ अगर आप 15-20 साल पहले की बात देखिएगा, यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल एक भी नहीं था। जो भी स्कूल थे बंगला मीडियम के थे। यहाँ हिंदी भाषावासी की संख्या बहुत अधिक है, तो मैंने जैसे ही बात किया लोगों से तो सारे बंगला मीडियम से पढ़ दिया। फिर एक हमारा डीएवी स्कूल खुला, इसमें इंग्लिश और हिंदी प्रावधान था। तो फिर जब से डीएवी खुला तब से इधर शिक्षा की अलग जगह है। अब तो पांडेश्वर में कॉलेज भी खुल गया है, तो अब मोटा मोटी शिक्षा का प्रसार प्रसार हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि और भी स्कूल होने चाहिए, और भी कॉलेज होने चाहिए? हाँ, पॉपुलेशन की जनसंख्या के आधार पर और स्कूल होनी चाहिए, संख्या स्कूल की होनी चाहिए और साथ में कॉलेज भी होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत दूर जाते हैं, दुर्गापुर जाते हैं पढ़ने के लिए, रामगढ़ जाते हैं पढ़ने के लिए, आसनसोल जाते हैं, सिवनी जाते हैं, साथे आते हैं। तो अगर सामने में स्कूल और कॉलेज खुल जाए तो उनको आने जाने में जो असुविधा होती है उसको असुविधा अपना हो और समय मिले पढ़ने के लिए। प्राइमरी स्कूल तो है लेकिन हिंदी मीडियम बहुत कम है, सब बंगला मीडियम। आपको लगता है कि और ऐसा कुछ एरिया हो यहाँ पे? मैं एरिया का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि बहुत से लोग देखेंगे जिस एरिया में आप बैठे हैं सर। मैंने कौन सा एरिया है? ये दालू बांध 8 नंबर है उन्होंने के पास। यहाँ भी स्कूल की बहुत कमी थी, ऐसे मैडम ने बताया, हमारे अध्यक्ष ने बताया कि बच्चे जो खेलते नजर आ रहे थे तो इनके अंदर में कुछ भावनाएं जगी कि क्यों ना इन सारे बच्चों को बुला कर पढ़ाया जाए, और वो भी इंग्लिश मीडियम में। इसीलिए इंग्लिश मीडियम खोला गया क्योंकि विशेष शिक्षा के लिए, क्योंकि बंगला बच्चे भी थे, हिंदी बच्चे भी थे, तो अगर हिंदी मीडियम खुलता तो बंगला बच्चे नहीं आ पाते, वो तो बाकी बच्चा थे। इसीलिए सबकी सहमति से इंग्लिश मीडियम खोला गया ताकि बंगला बच्चे भी आए और हिंदी बच्चे भी आए, जो गरीब तबके के हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो खेलते रहते हैं, वह जिनके पेरेंट्स उतने सजग नहीं हैं, अलर्ट नहीं हैं। इस एरिया में प्राइमरी स्कूल है? एक दो है लेकिन वहाँ पर जाते नहीं है। ईस्ट सीएल के स्कूल है, ईस्ट सीएल मेडिकल स्कूल है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई सुझाव है आपके पास इस मैटर को लेकर? हाँ, अधिक से अधिक संख्या में अगर राज्य सरकार स्कूल खोले, खासकर प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और मीडियम को देख करके, क्योंकि बंगला मीडियम, हिंदी मीडियम, पांडेश्वर का लोग बात करें, पांडेश्वर में कहाँ पे कोई? हाँ, जैसे डीबीसी है, फिर आपका पुलवाम मोड तरफ है, फिर आप उधर चले जाइए स्टेशन से उस पार, वहाँ पर कॉलेज है, वहाँ भी खोला जाए हिंदी मीडियम स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल तो बेहतर होगा, क्योंकि चारों ओर तो फैला हुआ है बंगला मीडियम स्कूल। अरुण जी, आपसे चाहेंगे कि अभी फ्यूचर में आप लोग क्या प्रोग्राम है एनजीओ के बारे में? फ्यूचर में बहुत सारे प्रोग्राम है यहाँ पर, जैसे कि महिला आश्रम खुलना है, वृद्धाश्रम के बारे में विचार किया जा रहा है, लेकिन इस तरह का जगह प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा हम लोगों को और फंडिंग की काफ़ी समस्या हो रही है, इसलिए भी काम फंडिंग के बारे में काम चल रहा है हम लोग का, कहाँ से फंड और कैसे काम। ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मैंने आपको फोकस किस पर करना चाहिए? फोकस तो मैंने शिक्षा ही है, शिक्षा है और महिलाओं के बारे में, जो महिलाएं यहाँ की हैं काफ़ी कमजोर हैं, सस्ते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, उनके पास कोई रोजगार भी नहीं है, उनके लिए काम करना है। आप तो एडवोकेट हो, क्या लग रहा है आप इस जब से इस एनजीओ से जुड़े हो इनसे आप लोग कितना फ़ायदा ले पाएंगे? आपसे जो होगा आप दे पाएंगे फ़ायदा, जो भी होगा तो मिलेगा, और कर भी रहा हूँ। मैडम ये बताइए कि आप लोग अभी कौन से स्कूल चला रहे हैं? अच्छा, कितने स्टूडेंट हो उसमें? 85। अच्छा, टीचर कितने? टीचर 6। अच्छा, उसके पेमेंट कहाँ से करते हैं? पेमेंट कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, निःशुल्क टीचर भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, उन लोग का भी धन्यवाद है कि आज 10 महीने से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं। टीचर का नाम बोल दिया जी, प्रियंका नोनिया, सुमन चौहान, गुड़िया कुमारी, रेखा कुमारी और ऐश्वर्या माली और पूजा माली। कौन क्लास तक पढ़ाते हैं आप? अभी तो सर जब हम बच्चे को लिए तो 0 नहीं जानते, 0 तो छोड़िए सर, ये बोला जाए कि वो लोग ये नहीं जानते थे कि किस तरह हम सामने वाले से बात करें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब गरीब घर, बिल्कुल गरीब घर के हैं सर, तो वो 0 बनाना मतलब पेंसिल पकड़ना तक नहीं जानते। किताब वगैरह कहाँ से सर? किताब हम खुद मंगाए और बच्चों को दिए हैं, अपने बजट से मंगाए बच्चों की, तो मतलब पाठन सामग्री पूरी दी जा रही है और ड्रेस भी, दोपहर का खाना भी बच्चों को दिया। वो कहाँ से करते हो सर? टोटल टीम मैनेज, टोटल आपका एनजीओ मैनेज जी, टीम मैनेज। उसको लेकर के फ्यूचर में क्या प्रोग्राम है? मैं चाहूँगी कि सरकार से मदद मिले, कम से कम जो राशन आता है जनता को बांटने के लिए, उस राशन में से कुछ राशन हमारे एनजीओ को मिले, जिससे बच्चे। इसके लिए कहीं आप लोग ने अप्लाई किया है? जी, अभी तक तो बस अपने पांडेश्वर के डीलर से मिली, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम ऊपरी डीलर से बात करेंगे तो आपको ये सुविधा दिया जा सकता है। अच्छा, जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, वो आप एमपी हो या फिर एमएलए हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर ईसेल का सेशन फंड है, इससे अब तक कुछ आप लोग को हेल्प मिला? जी, अभी तक नहीं मिला। और अगर ये लोग कुछ हेल्प करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? जी, जरूर लेना चाहूँगी, स्वागत है उनका हमारी संस्था में,
किसी राजनीति पार्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। सारी पार्टी हमारे संस्था में आएंगी और हमारी मदद के लिए अगर तैयार होती हैं तो मैं स्वागत करूँ। नोबल पर्पस पे काम कर रहा है, कुछ लोग इस न्यूज़ को देखकर अगर जुड़ना चाहें तो आपकी क्राइटेरिया क्या है पॉलिसी का? क्राइटेरिया कुछ नहीं है, अगर यहाँ से दूर इलाके के लोग हैं और अपने इलाके में अगर इस प्रकार का कार्यक्रम करना चाहते हैं तो हम लोग उनको जोड़ेंगे। हमारी टीम यहाँ से पूरी जाएगी, वहाँ व्यवस्था करेगी और इसे पैदा करे वहाँ भी एक संस्था खोल दी जाएगी। अभी आपकी ऑफिस कहाँ पे है? यही बगल में ही, अभी काम चल रहा है, डालो का लाख नंबर डालो का, अभी ऑफिस पर काम चल रहा है। ऐसे तो कॉन्टेक्ट नंबर है आपके पास? हाँ कॉन्टेक्ट नंबर है, वो नंबर बोल दे। सुनना चाहते हैं मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप संपर्क करके सीधे जुड़ सकते हैं। संस्था के ट्रेजरर सरस्वती पासवान जी का नंबर है 6295808025। अध्यक्षा महोदया का नंबर है 6294292830। अरुण जी का नंबर है जो वाइस प्रेसिडेंट है 9832730071 और मेरा नंबर है 7908410930। आप इन किसी भी नंबर पर फोन करके कॉन्टेक्ट कर दो, लोग आप लोग से जुड़ सकते हैं। जुड़ सकते। अच्छा अरुण जी, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि फ्यूचर में आप लोगों का क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं? हम लोग का प्लान है कि अनाथ आश्रम हम लोग खोलना चाहते हैं और वृद्धाश्रम बुजुर्ग लोगों के लिए और महिला सशक्तिकरण और विकास योजना, असहाय गरीब लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा और नशा उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम, समाज की बुराइयां एवं दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम और समाज के प्रत्येक पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, रक्तदान शिविर चिकित्सा की व्यवस्था और स्वच्छता जागरूकता अभियान। ये लोग न्यू जनरेशन है और जो लोग हैं जो आप लोग से जुड़े हुए हैं उनके लिए आखिर में क्या मैसेज है? मैं तो यही कहना चाहूँगी सर कि किताबें किताबें हमारे जीवन में बहुत अहम है। आजकल के न्यू जनरेशन मोबाइल में लिप्त हैं, अब ये तो हर घर जानता है वंचित नहीं है कैसे लोग लिप्त हैं। मैं यही कहूँगी क्योंकि न्यू जनरेशन के पेरेंट्स है कि वो लोग अपने बच्चों को किताबें पढ़ने की तरफ प्रेरित करें और समाज में फैली बुराइयों को रोके और उसको लड़ने के लिए अपने बच्चों को कहूँगा कि जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, दैहिक रूप से भी जुड़े, आर्थिक रूप से भी जुड़े, क्योंकि आपका सहयोग हर रूप में मिलेगा तो ये संस्था चलेगी। कोई गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, खाने की व्यवस्था, इसलिए आपकी सहायता से भी आप लोग जुड़ सकते हैं।